आज आप देखो कोलायत में बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुए है, सड़कों के क्षेत्र में बहुत काम हुए है, स्कूल कॉलेजों की गिणती को नहीं इतनी खुल गई, मंडियां खुल गई, पुलिस थाना, पुलिस चौकियां, हर तरह पंचायत समितियां, नई पंचायत, सड़कों को जाल बिछियो, 500 किलोमीटर ही डबल रोड बीकानेर जिले में नहीं बल्कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में लाडले 5 साल में बनी है। गाँव रो बेटो मारो कौन बेटो पूरी गाँव रो है, गाँव रा सगले चावे है, पहले अट कोई हो तो कहीं को तो आज 35 साल में 40 साल में तो कहीं देखियो को नहीं, ना तो पानी हो तो ना लाइट होती, अट कहीं हो तो खड्डा पड़िया था ना रोड होती। विकास का दार का ऊपर तो साहब 100% घरे बैठे ही जीते हैं, साहब को माहौल है ओ थे जटी दूर धर कैमरा की नजर जाए इन बांगी है थे घुमा रहे, एक बार देख लो जो चीज बताओ उन बांगी है, जट जट कट जाओ हॉस्पिटल देखे बांग राज में उड़ी और थानो आंगो है, एक दूसरे को डुंगा लगा रहे हैं भाई, वो वहाँ खजनी माफिया है, वो माफिया है, भू माफिया है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। 100 करोड़ रुपए के काम सिर्फ कोलायत कोलायत में हुए, कोलायत को जोड़ने वाली सारी सड़कें, कोलायत में उपजिला चिकित्सालय, कोलायत में ITI कॉलेज, कोलायत में गर्ल्स और बॉयज के दोनों के कॉलेज, स्कूल बालिकाओं का अलग, ट्रॉमा सेंटर, ये तमाम कामों की राशि यदि हम जोड़े तो करीब 100 करोड़ रुपए होती है। राम राम सा, मैं महादेव और आप सभी रुजल को बीकानेर न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज आप आया हाँ बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र ऊर्जा मंत्री जी भंवर सिंह जी भाटी साहब रे गांव हद्दा। आपने पीछे जी को थे बैकग्राउंड देख रहा हो, ओ मकान है जी को भंवर सिंह जी रो मकान है, जेठे बारा माता जी और पिताजी है जी का निवास कर रहा है। तो आज आप आऊ थोड़ी बहुत है जी की बातचीत भी करान ला। राम राम सा। राम राम सा। क्या है तबीयत पानी? ठीक है, जोरदार है। जोरदार। आज मंत्री जी आ रहे है गाँव। हाँ गाँव आवे मंत्री जी। क्या मिलन आई, खुशी है की थाने? खुशी है। तो बात करा था सा, मतलब मंत्री जी रे अबारो जी को कार्यकाल और अब चुनाव भी पाछो आउन लाग गयो है, तो क्या कुछ है अठेरा जी का लोग और कहीं कुछ मतलब मारी भावना है जी की थार तक पहुँच रही है? ठीक है। थाने क्या फील हुआ, मतलब थारा जी का बेटो है वे मंत्री जी है, तो मतलब अबार जी को कोलायत और में जी को विकास रो काम करियो है ऊर्जा मंत्री जी, तो बारे बारे में की सुनने भी थाने मिले है, तो किसो कहीं थाने फील हुआ? फील हुआ, ठीक हुआ। तो अब की बार कहीं कुछ लगे चुनाव वालो माहौल? चुनाव वालो माहौल तो लागे ठीक ही है, जीतना सही जा। जी का बातचीत कराला मंत्री जी रे माता राम जी, तो बारा के कुछ विचार है? राम राम सा। राम राम सा। आज मंत्री जी आवे गांव में? हाँ आज आवे गांव में। अच्छा, मतलब मंत्री जी कितने दिन घरे आया करे? कदम घरे आज महीने आज 15 दिन आज आवे। मतलब पहला जिया सामान्य हाबिया तो है कोने मंत्री बनुड़ा जन टाइम का जबान क्या मिले थारे मिलने रो? टीम कम ही मिले, काम ज्यादा है जनता रो काम करे जन कम ही आई जे। तो मतलब कई लोग थारे अटे घरे भी थारे हूं मिलने और आवे ही है। हाँ। तो लोग कहीं कुछ कहे बारे बारे में? देखो मार गांव रा लोग के नहीं जका सब कहे के वोट दे मंत्री जी ने, गांव रो बेटो मारो कौन बेटो पूरी गांव रो है, गांव रा सगले चावे है और वोट भाई गांव रा पूरा दे, विकास नहीं वोट दे लोग के भाई काम घणो ही हो, पहले 60 साल में तो काम हो को नहीं तो काम हो, पहले अठे खड्डा होता डल्डा होता, कोई स्कूल होता नहीं, कोई कॉलेज होता नहीं, कोई लाइट होती नहीं, कोई पानी होता नहीं, सब व्यवस्था करिए। अब चुनाव भी नजदीक आ गयो है, तो अब कहीं कुछ है चुनाव ने लेर थाने क्या लागे है? मने तो गाँव री मार गाँव री भावना ठीक लगे, पूरी कोलाय तहसील री पूरी भावना सुखी लगे, वोट दे विकास करियो काम करियो काम ने दे काम ले दे कर काम लगड़ो है, हरदम रात दिन करियो एक करियोड़ी कोई काम री कमी राखी को ने। मंत्री जी है जी का कहीं कहीं काम करिया था ध्यान है कि मतलब वहाँ पर अटे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में? हाँ अठे स्कूलों कराई कॉलेजों कराई, पानी को तो नहीं पानी आले पानी कराई, कठी ट्यूबवेल कराई है, लाइट नहीं हो तो GS लगाया जगह जगह GS कराया है, और काम विकास घणो ही करियो है, पहले अट कोई हो तो कहीं को तो नहीं, आज 35 साल में 40 साल में तो कहीं देखियो को नहीं, ना तो पानी हो तो ना लाइट होती, अट कहीं हो तो खड्डा पड़िया था ना रोड होती थे, कहीं कुछ मतलब है जी की जनता उम्मीद कर रही हो मतलब वोटा ने ले?
हमारी आई उम्मीद है कि जितना काम घनाई कराया है और जका काम बाकी रेड़ा है तो अब जनता जीता ही तो वे काम पूरा करे। अच्छा मतलब कई काम है जिका हाल तीन अधूरा रेवड़ा है जिका अजी तो 4.5 साल में दो एक साल तो कोरोना में रह गयो हमें काम करने लगे काम कोई बाकी रह गयो कोई जे बाकी रेड़ा नहीं जका काम मन में है कि बड़े कराऊँ काम कोई बाकी रेड़ा जग पूरा काम करना है। तो अब हम आया हाँ जठे माननीय ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब स्वागत होना जठे आज मैं शिलान्यास करने वास्ते पहुँच रहा है तो कई जगह ग्रामीण है और कई जगह अलग अलग क्षेत्रों जगह लोग आड़ा है बारों भी आपा थोड़ी बहुत है जी की बातचीत करा ला और पूछा ला के भंवर सिंह जी कार्यकाल में कितो कहीं विकास हुयो है आज के कुछ माहौल है डीजे डीजे बड़ो जोर चल रही है बहुत अच्छो है प्रोग्राम इते आज भंवर सिंह भाटिया लाग रहा है के करना रे आज अठे कई जो की चीज है बांगो लोकार्पण करी और कई चीज उद्घाटन भी है कई बन गई है कई बन लाग रही है मां चीज उद्घाटन करने वास्ते आन लाग रहा है। अच्छा बात करा अगर भंवर सिंह जी भाटी साहब री तो मतलब बारो व्यक्तित्व है जी को किसो के अटे भाई मार तो अटे बहुत जोरदार है और अटे ये एरिया में विकास भी है इसी बात को नहीं लगभग कट ही ले लो हर चीज रोड हूँ सड़क हूँ पानी हूँ बिजली हूँ शिक्षा हूँ चिकित्सा हूँ सारी चीजें अटे बनी है। अब की बार बार ओके कुछ माहौल लाग रही है मतलब क्या मतलब धड़ाको चाल जी साहब विकास ने मिले वोट और जनता ही चाहे कि कोई भी विधायक बने या मंत्री बने तो हमारे एरिया को विकास हुए और विकास ही एरिया में है विकास का आधार के ऊपर तो साहब 100% घर बैठे ही जीते हैं साहब को माहौल है। कटवाया साहब मैं खारी मलना तो खास मंत्री जी मिलन आया होगे हाँ ये एकदम खास है तो हमारा घर हिर का है या, के कुछ आ रहे कार्यकाल में कितो का विकास हुयो ओ थे जटी दूर धर कैमरे की नजर जाए ने बांगी है थे घुमार एक बार देख लो जको चीज बताओ ने बांगी है जट जट कट जावे बा हॉस्पिटल देखे बांग राज में उड़ी ओ थानो आंगो है बा टंकी आंगी है ए चकला आंगी है आ उन्हें कॉलेज आंगी है उन्हें हॉस्पिटल है बा आंगी है ओ चबूतरो आंगो है पूरो मार्केट पंचायत जको थे नाम ले लो बोंगो है। मैं तो इन जड़ी तो बहुत छोटी चीज हुई मैं तो कहा गया तो जगह हितर साल में नहीं होना ला हगड़ा एक लात जगह में 2 साल तो कोरोना हो गया नहीं तो के करता रहे मतलब अब अगर आप कोलायत विधानसभा पूरे क्षेत्र की बात करा तो मतलब भंवर सिंह जी का विपक्षी है वे भी मतलब बढ़िया अब की बार दावेदारी और खींच रहे हैं कोई विपक्ष तो यही तो कौन सब पक्षी है दोनों भेड़ तेरे माए देख लो पहला 1100 दोबारा 11000 आर अब 11 33 है जिन दलम समय मान लो ये है 33 के आसपास आंकड़ो मतलब अब की बार वाली जीत है जी की और भी तकड़ी होना बहुत ज्यादा के कुछ लाग रही आज माहौल माहौल जिसका नाम लागे बढ़िया है माहौल आज मतलब मंत्री जी स्वागत करने वास्ते स्वागत करने वास्ते कार वास्ते स्वागत करना है स्वागत मंत्री ने आगे लाने वास्ते खाली आगे लाने वास्ते कोई काम करियो है जिक्र तो करियो फुल करियो काम कोई पारी कौन काम रो कितो कहीं काम करियो थाल ले मानु तो ही करियो मारे ये टंकी बना दी पंचायत बना दी नी रोड डबल बना दी नी भाई विकास मंत्री आपके ई कार्यकाल में 2 पंचायत समिति बनाई है अभी अब आर लोगों ने पहला कोलाय जानो पड़तो आज काम सारो सारो हटे होने लाग रहे है बज्जू क्षेत्र का ये पाकिस्तान बॉर्डर लोग आता कोलाय थे जको आज मांगा बज्जू काम होने लाग रहे है सारा INJN ऑफिस है थाना है वगैरह कॉलेज है पहला एक शिक्षा संबंधित 70 साल में ये एरिया के माँ बारहवीं की स्कूल ज्यादा कुछ ही कौन बई गिनी चुनी स्कूल होती और आज के दिन हर गांव में बारहवीं थाना स्कूल मिली आज ही पंचायत समिति के माँ मान लो कोलायत पंचायत समिति 8-8 कॉलेज बनाया है सोरिया का न्यारा है छोरा का न्यारा है तो आने वाले भविष्य पढ़ी नहीं जिन्हें लोग जागरूक किया हुई लार तो शिक्षा को या बाओ ई वास्ते तो कोलायत तहसील सारा पीस रूड़ी तहसील ही जी आज आज के टाइम के माँ कोलायत टॉप के स्थान के ऊपर है बड़ा डीजे डीजे चल रहा है बड़ा शानदार स्वागत हो रही है के कुछ माहौल बना रहा है क्यों आज माहौल तो यह है कि जनता बहुत उत्सुक है और जितना विकास करे भंवर सिंह भाटी विकास में लोग बहुत ही उत्सुक है विकास कहीं कहीं कराया माने गिना दियो देखो वैसे 7 कॉलेज तो बना दी बच्चों बच्चेरी और एक सबसे बढ़िया कॉलेज है ITIT कॉलेज करने के बाद में आजकल हमारे अपने सुदूर प्लांट जादू चालू हो गया इरे माने बच्चों जो ITIT करे वो नौकरी लाग जाएगी इरे वास्ते सबसे बढ़िया काम हो ITIT कॉलेज करियो भाषा कोलाई तहसील रो ऐसो कोई गांव कोनी जिके में विकास नहीं हुयो ना तो बारे में कोई घमंड है ना कोई अहंकार है ऐसा ही तो बड़ा संघर्षशील पिताजी है ऐसा ही वीर माता राम है ऐसा नेता आवे दोबारे और जनता रो आगे भलो रहे विकास आगे वहां चालू रह जाए अब कहीं कुछ लाग रही है मतलब जनता है जी की खाली एक पार्टी पक्ष सोच रो वोट दे वाला या जी का विकास करियो विकास रला रहे जनता विकास रला रहे वोट दही। अच्छा बात करा आपा मतलब मंत्री जी रे विपक्ष री बतायो जा रही हो कि देव सिंह जी जी का हाँ पाछो बीजेपी ज्वाइन कर ली है
तो हो सके भाई चुनाव लड़े जब कई कुछ माहौल रहे वाला। देखो देवी सिंह दो बार लड़िया ने बताया खुद ही दो बार देवी सिंह लड़िया ने एक बार देवी सिंह जी लड़े एक बार पूनम कंवर लड़े। हाँ कोई बात नहीं देवी सिंह पूनम के पूरे तो एक घर परिवार सदस्य है। विपक्ष के पास मुद्दा है ना दूसरा तो मुद्दा है नहीं एक दूसरे के ऊपर दुना लगा रहे हैं भाई वो वहाँ खजनी माफिया है वो माफिया है भू माफिया है कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला और देवी सिंह ने उसे करना ही क्या है वो बोल रहे है कि मैं ग्वाल को कहीं भी वाल्ट पर भी वोट में देना तो वो आगे आ सिक्या रखता है। कदम आया हो सब उठो क्या आनो हो आया मंत्री साहब गंदे काकी क्यों नया हो कहीं कहना ही है मिलना ही है और किसो कहीं माहौल है बार अब की बार माहौल अब के बढ़िया है के मांग ले रहा हो मांग नहीं कोई रहा 1800 कराना है बच्चे रो तो मंत्री जी आवेदन जी की छोटी छोटी मांगा जी की लोग लेर पहुंचा है मान सुनाई करे है हां करे सुना के कुछ माहौल है आज अटे बहुत बढ़िया माहौल है ओलार गुड है जी को आपने पीछे को जी को ते व्यू देख रिया हो और है जी को जैसी बैसू भंवर सिंह जी भाटी साहब रो जी को लोग है स्वागत री तैयारी में जुटेड़ा है के बाद चार चार जैसी भी जूसी भी लगा केरोड़ो है और मंत्री जी रो स्वागतम है और साथ ही देख रिया हो कि भंवर सिंह जी री जी की रैली ही बा कई ट्रैक्टर सहित हदा गांव पहुंची है। तो अब आप आया हां ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब रे आज आप हद्दा में खड़े हो हद्दा मारो खुदरो पैतृक गांव है और अठेरा चुका लोग है बे आज आप देखियो कितो मान सम्मान कितो लाड और कितो मतलब इज्जत करी है वो आ लोगों रो एक तरह जुड़ाव ही है और ई गांव में तो 50 ई गांव में ही नहीं मैं तो कहूँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में 50 साल रघुनाथ सिंह जी भाटी साहब जो का हमारा पिताजी है बे सेवाएं दी पूरा जीवन सेवा में समर्पित करियो और मारी उम्र भी 50 साल है तो लाडले करीब 20-25 सालों में लगातार कोलायत्रे लोगों के बीच में हूँ और हर सुख दुख में शामिल हूँ जो का भी काम हो सके है चाहे व्यक्तिगत है चाहे सार्वजनिक है मैं काम ज्यादा हूँ ज्यादा करने की प्रेरणा मैंने हमारे पिताजी रघुनाथ सिंह जी को मिली और वही कारण है कि लाडले 5 साल में 2018 लेर 2023 तक जो को कार्यकाल है इमें राजस्थान रा लोक लाडला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरे प्रदेश में खूब काम करियो और हमारे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में मैं जितना भी विकास रा काम माने बाहू मांगया बे सारा रा सारा दे दिया और बेहू ज्यादा दिया। आज आप देखो कोलायत में बिजली रे क्षेत्र में बहुत काम हुए है सड़कों रे क्षेत्र में बहुत काम हुए है स्कूला कॉलेजा की गिणती को नहीं इतनी खुल गई मंडियाँ खुल गई पुलिस थाना पुलिस चौकियाँ हर तरह पंचायत समितियाँ नई पंचायत सड़कों रो जाल बिछियो 500 किलोमीटर ही डबल रोड बीकानेर जिले में नहीं बल्कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में लाडले 5 साल में बनी है पहली 50 किलोमीटर ही मारे डबल रोड ही तो ये सब जो का काम होया है ये कामारो परिणाम है कोलायत विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार के लोगों को यदि हम नहीं जानेंगे तो परिवार का मुखिया होने का क्या मतलब हुआ। यही कारण है कि आज हद्दा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी पंचायतों के जो सरपंच पूर्व सरपंच पंचायत समिति के सदस्य या मुख्य जनप्रतिनिधि है वो सब आए हुए थे और हजारों की संख्या में हमारे हद्दा के और आसपास के युवाओं ने आज वेलकम किया है। आज IAN ऑफिस का शिलान्यास है हद्दा में MLA कोटे से बहुत सारे काम करवाए गए हैं पिछले 2-3 सालों में उन कामों का शिलान्यास और उद्घाटन है और ये सिलसिला मैं आपको बताऊं पिछले करीब 6 महीने से चल रहा है। एक चीज और देखी मंत्री जी मतलब मैं कई दिन से एक चीज है जी की नोटिस कर रहा मतलब जी की स्वागत री एक कड़ी है जी की ट्रैक्टर की एक बहुत बड़ी रैली और साथ ही जी का बुलडोजर और बहुत ही शानदार जी को स्वागत आज मिथारे गांव में देखे हुए मतलब लोका में कठे न कड़ी एक जोश है तो मतलब लोगों ने ये चीज ले रहे थे कि कुछ है जी को संदेश दे रही हो। देखो मैं कहना चाहूँ कि युवाओं में जो को जोश है कोलायत रे युवा 12वीं पास करे बाद में माने कॉलेज रो कोई ऑप्शन ही कोनी हो कोलायत में 2018 तक और 5 साल में 7 कॉलेज खुल गया कोलायत विधानसभा क्षेत्र रे हर मुख्य पॉइंट पर सरकारी कॉलेज खुल गया बे चालू हो गया। आज युवा कॉलेज री पढ़ाई BA री पढ़ाई कर रहा है और MA री पढ़ाई कर रहा है PG कॉलेज हो गया 3-3 तो युवाओं का जो उत्साह है वो इस बात का है कि अब हमारा कोलायत क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकास जो हुआ है
उसको देख करके हमारे युवा, और मेरा दिल से जुड़ाव है, हमारे कोई फॉर्मेलिटी वाले संबंध नहीं है, हमारे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे हार्टली संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है। मैं हमेशा के लिए ऋणी हूँ, क्योंकि 2013 तक कोलायत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सीट 40-13 में मैं जब विधायक बना 1100 वोटों से, तो वो 40 साल बाद कांग्रेस यहाँ से जीती थी, और एक ऐसी सीट थी जो 40 सालों से कांग्रेस हार रही थी, उस सीट को जीताया है। मैं तो निमित्त मात्र था, उस जीत का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मेरे देवतुल्य मतदाताओं को जाता है, कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मेरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भाई है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर, उन्होंने लाठी और गोली की परवाह नहीं की, कोलायत विधानसभा चुनाव क्षेत्र का जो चुनाव है ये बहुत दहशत का चुनाव था, बहुत ही गुंडागर्दी का चुनाव था, बूथ कैप्चरिंग का चुनाव था, लोगों को यहाँ मतदान तक पहुँचने नहीं दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हिम्मत करके आए और उन्होंने लाठी की, गोली की, धमकी की, किसी तरह की लालच की परवाह नहीं की, और उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है कि मैं आज विधायक हूँ। एक चीज मैं थारी बहुत बड़ी है जी की नोटिस के, मतलब है आज ताई ऊर्जा मंत्री जी भंवर सिंह जी भाटी कदी विपक्ष ने लेर कदी विवादित बयान है जी को दियो, मतलब वो आचरण है और नेचर है जी को थारो ठेठ सुई है। देखो, विवादित बयान देने सू या कोई रे बारे में कोई गलत टिप्पणी करने हूं, कोई एक राजनेता रो कोई मकसद हल नहीं हुए, कोई पे झूठा आरोप लगा देवा, कोई री आलोचना फालतू ही करा, बीव का ही मतलब है। बाने जनता मौको दियो तो बे काम करियो, और आज मने मौको दियो है तो मारू दायित्व तो है नहीं कि मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूं, दूसरा पर खुदरी कमियां छिपाण खातर दूसरा पर मैं कीचड़ उछाड़ू, अच्छी राजनीति नहीं है। अच्छी राजनीति आ है कि क्षेत्र में 10 सालों में विधायक हूं, तो विपक्ष में हो तो मैं सगड़ा ज्यादा बोलियो विधानसभा में, और मैं जब राज में हूं तो सगड़ा ज्यादा विकास कोलायत विधानसभा क्षेत्र में करियो है। 2500 करोड़ रुपया नो बजट ई 5 साल में आयो है, तो आ एक काम मारे लिए जरूरी है, मैंने जनता रे बीच में जानो है तो हिसाब देनो है। 100 करोड़ रुपए के काम सिर्फ कोलायत में हुए है, कोलायत को जोड़ने वाली सारी सड़कें, कोलायत में उपजिला चिकित्सालय, कोलायत में ITI कॉलेज, कोलायत में गर्ल्स और बॉयज के दोनों के कॉलेज, स्कूल बालिकाओं का अलग, ट्रॉमा सेंटर, ये तमाम कामों की राशि यदि हम जोड़े तो करीब 100 करोड़ रुपए होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने आप जो कीमती समय हो वो मानदेव वास्ते। राम राम।